दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। आज के एपिसोड में दोस्तों कोई ख़ास काम नहीं हुआ है, इसलिए मैंने जो पुराना शेड्यूल है, जिस तरीके से दवा लग रहा है, जिस तरीके से दाना पानी लग रहा है, वो उसी हिसाब से लग रहा है। हाँ दोस्तों, चेंज हुआ है थोड़ा सा, जो कि गोला था और गोला पूरा ख़त्म करके अब सब एक में कर दिया गया है, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा था गोले में। और आज 3 दिन हो भी गए हैं चिक्स को, तो इसलिए दोस्तों वो गोला हटा दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा चिक्स जो है सब चारों तरफ अच्छे से फैल कर बैठे हुए हैं और अच्छे से दाना खा रहे हैं, फीडिंग बेहतर तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हाँ, एक चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और गर्मी में इतना ज़रूर अपने चिक्स में थोड़ा ध्यान रखते रहें कि जितना दाना खा रहा है चिक्स आपका, उसका 2.5 से 3 गुना पानी पी रहा है या नहीं, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपके बर्ड्स में अगर पानी कम पियेंगे तो दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी दोस्तों, और आगे चल करके बहुत सारी बीमारियों का जड़ बन जाएगा ये कम पानी पीना। तो दोस्तों पानी पे विशेष रूप से ध्यान रखें, जितना दाना खा रहा है उसका 2.5 से 3 गुना पानी पीना ही चाहिए बर्ड। और दोस्तों जब भी कोई भी चेंजेस होंगे इसमें, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप अपनी टंकी, जैसा कि अभी साफ़ सफाई हो रहा है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से सब कुछ साफ़ करवा के और अच्छे से रख लें। इसके बाद में अपना पानी, क्योंकि ऑटोमेटिक ड्रिंकर बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए, अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।